गुलबर्गा शहर में 3 दिसंबर से 5वें सीरतुन नबी क्विज कंपटीशन का आगाज हो चुका है, जिसमें 2800 से ज्यादा तुलबा और तालिबात ने हिस्सा लिया है। यह इस्लामिक क्विज कंपटीशन अब तक का सबसे बड़ा कंपटीशन होगा, जो सीरतुन नबी स्टेडियम रिसर्च सेंटर कर्नाटका और ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल व मरकजी सीरत कमेटी जिला गुलबर्गा की जानिब से ऑर्गेनाइज हुआ है। किरात, हिफ्ज हदीस, नाद, तकरीरी व तहरीरी सीरतुन नबी और कुरान क्विज कंपटीशन 3 दिसंबर से 10 दिसंबर तक रखे गए हैं। इन कंपटीशन को आइडियल इंग्लिश मीडियम स्कूल मदनी फार्मेसी कॉलेज जलील कंपाउंड पायन रोड पर ऑर्गेनाइज किया गया है। 3 दिसंबर को खिरात कंपटीशन से इस प्रोग्राम का आगाज हुआ है। इस मौके पर तुलबा और तालिबात ने किस तरह परफॉर्मेंस दिया है और डॉक्टर असगर चुलबुल के अलावा दीगर तमाम जिम्मेदारों ने क्या कहा, जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video is presented by Mohammedi Furniture, where luxury meets affordability. Explore a range of sofas, beds, tables, chairs, and more at Mohammedi Furniture to elevate your home with comfort and style, making your dream home a reality. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ القارعة، ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ماله أخلدا. पिछले कई यानी 4 सालों से मुसलसिल आप हो या आपके भाई हो या बहन हो, वो मुसलसिल हमारी इस तहरीक से जुड़े हुए हैं। अब तक का सबसे बड़ा ये मुकाबला होने जा रहा है। कुल 2800 एप्लीकेशन हमारे दरमियान जमा हो चुके हैं, जिनमें नाते शरीफ के 800 एप्लीकेशन यहाँ पर मौजूद हैं। उसी तरीके से सीरत क्विज के 800 और कुरान क्विज के 350 एप्लीकेशन जमा हुए हैं। उसके बाद हम तहरीरी की तरफ जाते हैं, तो तहरीरी में 250 से 300 ऐसे कॉम्पिटिशन में जो हमने उनवान दिया था उसमें तकरीबन 250 से 300 वो हैं, और किरात में आप देख सकते हैं लिस्ट में कि 250 के करीब 300 के करीब किरात में हैं।
उसी तरीके से तकरीर में भी 350 से 400 तुलबा तालिबात यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हकम हजरात और उलमा इकराम और दानिशवरान की जो ताउन है उसी से हमारा ये जो प्रोग्राम है वो मुसलसिल 4 साल से कामयाब होता जा रहा है। मैं खासकर मोहतरम जनाब अब्दुलरहीम साहब मामूपुरी का शुक्रिया अदा करता हूँ और जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है, क्योंकि इनकी एक और एक मैं अहम खूबी और उनका ऐलान ही आपके सामने रखकर अपनी बात को खत्म करूँगा। जब हमने उनसे कहा कि नाते शरीफ में 800 तुलबा और तालिबात हैं और उम्मीद है कि 150 जो नाम नहीं छूट गए फिर वहाँ आएंगे, तो उस सूरत में जो आपका स्कूल है जो आप हमको हाल दे रहे हैं वो नाकाफी होगा। तो उन्होंने कहा है कि सीरतुल नबी का जलसा है और नात पढ़ी जा रही है, तो मैं उस दिन मेरे स्कूल को मंगल को जनरल हॉल में डिक्लेयर कर दूंगा, पूरा नात शरीफ के लिए पूरे जितने भी आपको क्लासेस होने चाहिए आपको होना है, मैं पूरे क्लासरूम 10, 12, 8 जितने भी हैं आपको मैं आपको आपके मुकाबले जात के लिए दूंगा। ये बहुत बड़ा उनका ऐलान है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं डॉक्टर मोहम्मद असगर चुलबुल साहब चेयरमैन सीरत नबी मुकाबला जात कमेटी को मुबारकबाद देता हूं कि वो 5वां सीरत नबी मुकाबले का कामयाब इनेकाद करने जा रहे हैं। उनके साथ एक पूरी टीम इन मुकाबलों में जुड़ी हुई है और मजमूई तौर पर इन मुकाबलों के इनेकाद का मकसद यही है कि तलबा और तालिबात को सीरत नबी से वाकिफ करवाया जाए। इसके साथ साथ दूसरा जो सबसे बड़ा अहम काम डॉक्टर असगर चुलबुल साहब की सदारत में होने जा रहा है वो है गुलबर्गा में सीरतुल नबी रिसर्च एंड स्टडी सेंटर का क़याम। ये एक तारीखी काम होगा। इस सेंटर में सीरतुल नबी पर जितनी भी किताबें हो सकती हैं जिस जबान में हो सकती हैं उनको जमा करके रखा जाएगा और उसके साथ साथ सीरत पर लेक्चर्स होंगे और तलबा और तालिबात आकर उस स्टडी सेंटर में सीरतुल नबी का मुकाबला कर सकेंगे। आप तलबा व तालिबात काबिल मुबारकबाद हैं और फिर साथ ही आप सब तलबा व तालिबात कामयाब हैं, ख्वाह वो इनाम अव्वल से नवाजे जाएं या ना नवाजे जाएं, फिर भी आप सब कामयाब हैं। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, खैरुकुम मन तअल्लम अल-कुरआन व अल्लमा, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को खुद पढ़े और दूसरों को पढ़ाए। पढ़ने वाला भी फजीलत वाला है और पढ़ाने वाला भी फजीलत वाला है। आपकी यहाँ शिरकत तलबा व तालिबात की अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से खैर के अवार्ड से नवाजा जा रहा है और ये अवार्ड दायमी अवार्ड है। आपको कब्र में, दुनिया में, कब्र में, हश्र में, ये तीनों जगह काम आने वाला अवार्ड है। दुनियावी अवार्ड दुनिया के हद तक रहते हैं और किसी ने कोई कारनामा अंजाम दिया उसको उस कारनामे पर अवार्ड दिया जाता है, किसी को पद्मश्री का दिया जाता है, किसी को पद्म भूषण का दिया जाता है, किसी को सर का अवार्ड दिया जाता है, किसी को डॉक्टर का अवार्ड दिया जाता है, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैर के अवार्ड से हम सबको मुखातिब फरमाया है, ने खैर का अवार्ड से नवाज रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। पढ़ने वाला पढ़ाने वाला दोनों फजीलत वाले हैं और इसका एहतमाम करने वाले भी काबिल मुबारकबाद हैं, वो भी कामयाब है। और इस ज़िमन में यहाँ इस प्लेस को पर जलसा करने की इजाज़त से नवाजने वाले वो भी कामयाब हैं। This video is presented by Mohammedi Furniture, where luxury meets affordability. Explore a range of sofas, beds, tables, chairs, and more at Mohammedi Furniture to elevate your home with comfort and style, making your dream home a reality.